हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाम को बाटी और चोखा, अच्छा वाला। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बनाने। और मेरी वीडियो अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंगन टमाटर को भून रही हूँ हीटर पे चोखा बनाने के लिए। आलू रख दी थी, पक गया है, ठंडा हो जाएगा तो निकाल के इसको भी भून लूँगी आलू को। यहाँ पे चना ले ली, चना को छिलका हटा ली, साफ कर ली हूँ। तो मिक्सर में डाल के जार में डाल दूँगी, चने को पीस लूँगी, सत्तू बना लूँगी। पीस ली, यहाँ पे चलनी है, मैं इसमें डाल के चाल लूंगी, जो भी छिलका होगा निकल जाएगा। तो मैं चाल ली, अब इसमें जाएगा मंगरैल, अजवाइन, घर का अजवाइन है, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च, और जाएगा इसमें प्याज, छोटे छोटे टुकड़े में सब काट ली थी मैं। स्वाद अनुसार नमक, इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बस, और सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने पे स्वाद आ जाता है, टेस्ट। आधा नींबू, इसमें जाएगा है आम का मसाला, क्योंकि ये स्वाद अच्छा आता है तो इसलिए मैं आधा नींबू डाली थी इसमें। मसाले के साथ साथ तेल भी था आम का, तो खट्टापन आ जाता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं दोस्तों, सत्तू है, अच्छे से मैंने मिक्स कर ली। अब इसको साइड में रख दूंगी, इसको मैं अभी ढक के रख देती हूँ। बैंगन टमाटर भुना गया है, आलू रख दी हूँ भुनने के लिए। यहाँ पे लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, तो मैं इसको खलबट्टी में डाल के कूट लूँगी। अगर आप लोग के पास सील है तो उस पर पीस लीजिए, मैं काट के नहीं डालूंगी। तो पहले इसको साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद मैं पहले आटा गूंथ लेती हूँ। मैं आटा ले ली, अब इसमें डाल दूंगी रिफाइंड का तेल, ऑयल, ताकि बाटी बने तो मुलायम रहे, सॉफ्ट रहे। दो तीन चम्मच, मैंने 4 चम्मच डाल दी तेल। तेल और आटा को मैंने मिक्स कर ली, आप लोग देख सकते हैं। अब पानी डाल के मैं आटा को गूंथ लूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है बाटी चोखा बनाने में, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान। यहाँ पे आटा को गूंथ ली मैं, अब इसको ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट। आती है चोखा बनाने का, तो मैंने छील लूँगी बैंगन टमाटर और मैं इसको कूट लूँगी। यहाँ पे टमाटर, बैंगन, आलू को मैं छील ली, अभी गर्म है तो मैं इसमें नहीं बनाऊँगी, इसमें नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे जो अदरक लहसुन हरी मिर्च नमक कूटी थी, और यहाँ सरसों का तेल है थोड़ा सा, मैं चोखा बनाऊँगी, अच्छे से उसमें बन जाएगा। तो मैं बैगन में देख ली कीड़ा है कि नहीं, तो साफ अच्छे से मैं देख के तब चलिए अब चोखा बनाने। मेरा फाइनली चोखा बन गया है। तो आप लोग को अगर तीखा पसंद है ज़्यादा तो इसमें लाल मिर्च
भी डाल सकते हैं। तो मैं काफ़ी हरा मिर्च डाली थी, घर का ही हरा मिर्च था, तीखा था। तो अब रह गया बाटी बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं बाटी की तरफ। आटा मेरा सेट हो गया है एकदम अच्छे से, तो अब चलिए मैं बाटी बनाने। वो करा चालू कर दिए। इसी तरह मैं सारा बाटी बना लूँगी भर के। यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे बना ली, और इसी तरह मैं भर के बना लूँगी। मैंने सारा बाटी बना ली। तो अब लेके चल रही हूँ आग पे बनाऊंगी। आग बाहर हम लोग जला दिए हैं, तो आग पे का कुछ और स्वाद आता है, बाटी में खाने का कुछ और मज़ा रहता है अलग। यहाँ पे बाटी डाल दी, पका रही हूँ। तो आधा बाटी हो गया, अभी अच्छे से इसको पका लूँगी, सिझा लूँगी। यहाँ पे अच्छे से बाटी मेरा पक गया है, एक झोला में निकाल लूँगी, झाड़ के अच्छे से थाली में निकाल लूँगी। गर्म हो गया बाटी में लगाने के लिए। बाटी भी मेरा बन गया था अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं बन गया है। तो इसको मैं अच्छे से झाड़ ली थी, आग का बनाई थी ना आग पे, तो अच्छे से झाड़ ली। अब इस पर घी लगाऊंगी, घी लगा के गर्मा गर्म सबको दे दूंगी। चलिए मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे प्लेट में बाटी को निकाल ली हूँ, घी लगा दी ऊपर से, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से टूट गया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, ये देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।